नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पाकी की रसोई में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टमाटर और हरी मिर्च की चटनी कैसे बनाई जाती है। ये बिल्कुल ही बेसिक रेसिपी है, इसे कोई भी आसानी से बना सकता है। ये रेसिपी खासकर बैचलर्स और बिगिनियर्स जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। हमने लिया हुआ है हरा धनिया, 3 लहसुन की कलियां, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, हरी मिर्च, साथ ही में 2 टमाटर। आप देख सकते हैं टमाटर मध्यम आकार के हैं। अब हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को छोटे टुकड़ों में काट लेना है और मिक्सर या ग्राइंडर में उसे ग्राइंड या मिक्स करना है। जार में स्वाद अनुसार नमक मिलाइए और उसे अच्छे से बारीक पीस लीजिए। तो लीजिए दोस्तों, हमारी चटनी अब एकदम तैयार है। आप वीडियो में देख सकते हैं हमने चटनी को किस तरह से बारीक पीसा हुआ है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपने व्यूज शेयर कीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने टमाटर और हरी मिर्च की चटनी बनाना कितना आसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।